वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। राधे राधे, प्रणाम। और फ्रेंड, आज है 22 जनवरी। 22 जनवरी मेरे लिए इतना खास है, मेरे लिए क्या सभी के लिए खास है, मेरे लिए तो डबल खुशी है। डबल खुशी ये है कि आज है मेरा जन्मदिन और आज मेरा बर्थडे। में बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज के दिन मेरा बर्थडे पड़ा है। मैं इतना खुश हूँ और सभी खुश हैं। मेरी मम्मी तो इतना खुश थी, इतना फ़ोन, मेरी फ्रेंड जितनी है सब कुछ, मेरी महिला मंडल, मेरी फ्रेंड एक आई थी रात को, सरप्राइज़ दिया है। वो वीडियो में सब इसमें ऐड करूँगी, आप लोग देखना और बताना कैसे उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। ये शायद इसमें जाए या अलग से जाए, और इमोशनल भरा वो वीडियो था मेरे लिए। और शायद इसमें देखते हैं क्या होता है, वीडियो बड़ा रहेगा तो इसमें नहीं ऐड करूँगी, दूसरे में ऐड करूँगी। और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। अभी हम लोग पूजा पाठ कर रही हूँ मैं, पूजा दिया बत्ती में पहले बोली जैसे मैं डेली करती पहले वैसे कर लूँ, फिर घर में सब जगह दिया लगाऊँ, क्योंकि मुझे आज सुबह से इतनी भाग दौड़ ना कि पूछिए मत। और सबका फ़ोन आ रहा था, उसी में मैसेज आ रहा था, रिप्लाई करना, फ़ोन अटेंड करना। अब मैं सुबह फिर उसके बाद एक जगह गई थी गृह प्रवेश में, वहाँ से आई, फिर तुरंत गई भागवत कथा था, वहाँ हवन था, वहाँ गई, वहाँ से भंडारा, फिर उसके बाद फिर गई दो जगह भजन में, बहुत लेट हुआ। घर के सब काम थे फ्रेंड्स, सबकी ही निपटा ली हूँ, पहले चलती हूँ मैं वो करती हूँ। अरे क्या बोलते हैं, मैंने खीर बनाया है, ये देखिए आप लोग, खीर बनाई हूँ, चल रही हूँ मैं भोग लगाने के लिए, अपने लल्ला के लिए निकाल लेती हूँ। और सभी भगवान खुशी को भोग लगाना है मुझे, भोग लगा लेते हैं फ्रेंड। और बाकी आलू का पराठा ना, कचौड़ी और पराठा मैंने दोनों बनाया था, सुबह बनाई थी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दौड़ भाग हो गई थी, लेकिन सब मैनेज हो गया। अब चलते हैं दिया बत्ती करते हैं, मंदिर भी जाऊंगी सोच रहे हैं, मंदिर सब जाएंगे सोच नहीं रहे, पक्का ही है हमारी महिला मंडल सब जाएंगी, तो आप लोग देखिएगा। अभी सब तैयारी कर रहे हैं, बहुत अजीब सा आ रहा है ना इस साइड कैमरा, मेरा कैमरा भी साफ नहीं है। तो चलिए पहले भोग निकाल लेते हैं लाला के लिए, जो अयोध्या से निमंत्रण आया था, चावल आया था, मैंने इसमें डाला हुआ है, बाकी रखा हुआ है। चलिए भोग लगाते हैं पहले, ये देखिए, और दिया बत्ती तो जो जैसे करते थे पहले वैसे सब भगवान को कर ली, फिर दिया लगाते हैं, क्योंकि वैसे ही सब बैठे हैं अच्छा नहीं लगता। तो अभी लाला को बोलती हूँ जल रहा है, इसलिए बाद में खिलाते थे। मैंने लाला के केक का भोग लगाई थी, तो उनका भोग लगाने के बाद अभी ये सब हो रहा है। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी हैं, कुछ बोलना है? हाँ भाई, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत धन्यवाद। और राम जी आए हैं भाई, और यहाँ पे ये बहुत फरमाते हैं, जल्दी बोलेंगे नहीं। यहाँ पे दिया वगैरह सब मैं इन लोग को लगाई थी, चलो नीचे लेके अभी सब दिया लगाते हैं चारों तरफ। बहुत धूम मची है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। चाय में देखो, दिया बातें की बात करो, चाय पीने की बात करो। मेरे लल्लाइन के लिए इनका नया नया ड्रेस, चलिए दिया पत्ती तैयारी करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ ना। अगर हम लोग मंदिर जाएंगे, मोबाइल लेके गए तो ज़रूर वीडियो बनेगा, और नहीं गए तो। अरे साड़ी कैसी लग रही ज़रूर बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। और मेरा बर्थडे में बहुत खुश हूँ, सभी ने मुझे बहुत सारी विशेष दिया, बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं, सभी को मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी महिला मंडल हुई, मेरी फ्रेंड हुई, और भी जितने हैं सब लोग मेरे रिलेटिव हैं, बहन, भाभी, मम्मी, पापा, भाई। सबसे पहले मुझे रात को मुझे मैसेज किया था मेरा भाई, जो कि हम लोग इतना लड़ाई करते हैं हर समय, सबसे पहले वो मुझे मैसेज किया था, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। चलिए मिलती कुछ टाइम में, बने रहना उसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दिया, मतलब हम लोग सब तैयार कर लिए हैं, बच्चे और मैं मिलकर अब दिया प्रज्वलित करेंगे और जलाएंगे दिया, फिर सभी घर में पूरा चारों तरफ रखेंगे। आज फिर से दीपावली मना रहे हैं सब, और आप लोग भी कर ही रहेंगे सेलिब्रेट। और यहाँ बाहर रंगोली बना हुआ है, मैं नहीं बनाई थी, जो बाजू में भाभी है वही बनाई थी रंगोली, क्योंकि मैं थी ही नहीं इसलिए। और आप लोग भी इंजॉय कर ही रहेंगे, तो यहाँ पर रंगोली बन रहा है बाकी, और यहाँ पे सभी लोग बना चुके थे,
मैं बाहर थी तो मैं बनाई नहीं थी, तो बाजू में भाभी हैं सबका बन, मेरा भी और अपना दोनों साथ में बनाई थी, ताकि ये लोग अपना बना रहे, तो मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप में ले ली थी। अच्छा लग रहा था, रंगोली सभी का सुंदर था, ऐसा लग रहा था ना एकदम फिर से दिवाली जैसा पूरा हो गया था, सही में पूरा दीपावली मनाए हैं सब, बहुत अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, हम आ गए मंदिर, ये हमारे जस्ट हमारे यहाँ न्यू मंदिर बना हुआ है, 2 दिन के अंदर ये मंदिर का निर्माण हुआ, और यहाँ हनुमान जी, राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी सब विराजमान है। उसके बाद हम फिर चलेंगे आगे की ओर। उसके बाद हम आ गए अपने साईं बाबा मंदिर में, यहाँ पे जो पूरा दीपक हम लोग जला लिए थे, और साउंड बज रहा था इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ फ्रेंड्स मैं, और लाइटिंग पूरा चारों तरफ से एकदम लाइटिंग वगैरह सब। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लेट जाएगा, आज ही एडिट कर रही हूँ और आज ही डालूँगी, क्योंकि मैं वीडियो एडिट नहीं की थी इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, तो आप लोग मैनेज करना, आप सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सजावट किया हुआ है, तो मैं पूरा यहाँ पे वीडियो ले रही हूँ मंदिर का पूरा चारों तरफ धूम मची हुई है रामलला की। यहाँ पे देखिए और मंदिर को इतना अच्छा सजाए थे, इतना अच्छा सजाए थे, मस्त लग रहा था चारों तरफ, क्या ही बताएं। और हम लोग दिया जला लिए थे, और भाभी जो थी वो भी जला रही थी दिया, तो इसलिए हम लोग रुके थे और अपना वीडियो ले रहे थे। अब मैं बोली भाभी कहाँ है, तो पीछे से अभी गई थी ये, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ महादेव को, कितना मस्त दिया जलाए, यहाँ पर सभी दिया जलाए थे, 5, 11, 51 बहुत लोग बहुत ज़्यादा दिया जलाए थे। हम लोग यहाँ 11 दिया लेकर आए थे, वो घर पे जो जलाए वो अलग ही, तो बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर, क्या ही बताएं। और यहाँ पर पूजा हुआ था सुबह, तो देख सकते हैं रामलला की तस्वीर है यहाँ पे, और हनुमान जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, बहुत सुंदर भव्य नज़ारा कह सकते हैं आप लोग। हमारे यहाँ तो बहुत, हमारे यहाँ क्या सभी जगह किए थे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ बाहर पे सब पूरा डेकोरेट था पूरा रोड पे, तो हम लोग निकल गए हैं मंदिर से। अब यहाँ पे पूरा डेकोरेट जो है आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। अब जा रहे हैं हम लोग अपने घर, सोसाइटी में भी है हमारे प्रोग्राम, और यहाँ पर निकल चुके हैं हम लोग। बहुत अच्छा पूरी सोसाइटी थे, बिल्डिंग वगैरह सब में अपने अपने लोग जितना था सोसाइटी में सब डेकोरेट किए थे, लाइटिंग वगैरह पूरा एकदम इसी ऐसे हम लोग दिवाली के टाइम आए थे दिया जलाने, और आज आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बम पटाखे जो फोड़ते हैं बहुत बेकार लगता है, ये सब अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा सजाए थे चारों तरफ एकदम रौनक रौनक। और एक दिन पहले यहाँ पे साईं बाबा, हमारे यहाँ साईं बाबा का भंडारा था, तो पूरा डेकोरेशन वैसे का वैसे ही था। दूसरे दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान था, तो दो दो दिन बहुत सुंदर लग रहा था, दोनों दिन पूरा एकदम चहल पहल ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सोसाइटी का है, जय श्री राम लिखा हुआ पूरा दिया से, और सुंदरकांड वगैरह था सब। कैसा लगा ज़रूर बताना, मैंने सोसाइटी का ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाई थी मैं, बस ऐसे ही थोड़ा सा ले लिया था मैंने। तो फ्रेंड्स, वीडियो अब यहाँ पे समाप्त करती हूँ, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जो मेरी फ्रेंड आई थी रात को मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, सरप्राइज़ दिया मुझे, उन्होंने मुझे चूड़ी दिया है बहुत सुंदर है, उनको थैंक यू सो मच। तो मैं माता जी के सामने चढ़ाई थी सुबह सुबह, और यहाँ पे मैं बना ली हूँ खीर और पूड़ी अपने प्रभु जी के लिए, तभी भोग लगाएंगे, मैं इनको भोग लगा देती हूँ, क्योंकि तभी बहुत जल रहा था ना इसलिए मैं रख दी थी। तो चलिए इनको भोग लगाती हूँ, अब मिलती हूँ मैं कुछ टाइम के बाद, या तो वीडियो एंड कर देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसके लिए।